substrate. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आज आपके साथ जुड़ा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 9 में। ठीक है, इससे पहले हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 क्लासेस में जो पढ़ा था वो टॉपिक थे आपके BJT, FET एंड JFET। आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, जितने भी ये टॉपिक हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनसे बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा और वो उनको नंबर गेन करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा BJT और FET के टॉपिक से। JFET के डिस्कशन के बाद मैंने आपको MOSFET का बेसिक बता दिया था कि MOSFET का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कौन से टर्मिनल का क्या यूज़ है। फिर मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं MOSFET का DE टाइप डिस्कस करूँगा। DE टाइप का मतलब है डिप्लीशन इन्हांसमेंट मोड टाइप MOSFET। अगर आपने इससे पहले MOSFET की क्लास ना ली हो तो MOSFET की पहले क्लास देखिएगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि डिस्कस होगा आज का DE MOSFET। DE MOSFET नाम से ही क्लियर है कि डी फॉर डिप्लीशन एंड ई फॉर इन्हांसमेंट डिप्लीशन एंड इन्हांसमेंट। इन्हांसमेंट मोड में इन्हांस होगा, करंट की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी। डिप्लीशन मोड में जो मैक्सिमम करंट है उस करंट को डिक्रीज किया जाएगा, डिप्लीट किया जाएगा। तो ये दो मोड होते हैं। यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लीशन मोड का क्या यूज़ है और इन्हांसमेंट का इसमें क्या यूज़ है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें आपका SiO2 या फिर कहें ऑक्साइड की लेयर कौन सी है। SiO2, ये भी यहाँ पर ऑक्साइड है, SiO2। ठीक है, ये आपके 3 टर्मिनल हो गए, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। ये 4th टर्मिनल सबस्ट्रेट जो कि ग्राउंड है। ये आपके 3 टर्मिनल, सोर्स, गेट एंड ड्रेन, 4th इज ग्राउंड। चैनल क्या है आपका, एन टाइप है। तो ये जो डिस्कस होगा यहाँ पे, ये जो दोनों डायग्राम बने हैं वो बने हैं एन चैनल के MOSFET के। ठीक है भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि DE MOSFET जो है, ड्यूअल MOSFET है, उसमें प्री एग्जिस्ट चैनल होता है, इसलिए मैंने इसकी बाउंड्री जो बनाई है फिक्स बाउंड्री बनाई है, इंड्यूस्ड चैनल नहीं होता। इंड्यूस्ड चैनल भाई किस में होता है, वो E-only MOSFET में होता है, जो कि अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ जो चैनल है ये आपका फिक्स होता है, यहाँ पे चैनल मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया है, तो इसकी बाउंड्री जो है फिक्स होती है, ये आगे पीछे नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, चैनल में बाउंड्री फिक्स है। मोड क्या करेगा आपका, डिप्लीशन मोड में काम करेगा और इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा। ठीक है भाई, ये जो इसके ऊपर SiO2 के ऊपर ये लगा हुआ है, ये आपका एलुमिनियम है, जो कि मेटल की तरह मेटल होता है, ये आपका मेटल हो गया, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखिएगा सोर्स का क्या काम है भाई, चार्ज कैरियर को देना, किसको, ड्रेन को, वाया पाथ, कौन सा पाथ, चैनल। चैनल के थ्रू सोर्स से कैरियर निकलेगा और ड्रेन तक जाएगा। सोर्स क्या है, एन टाइप। एन से क्या निकलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को निकलना है। पाथ क्या होगा आपका, चैनल। इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए सोर्स पे पोलैरिटी कौन सी होनी चाहिए, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा और यहाँ से निकलेगा। इस पॉजिटिव का मतलब है इसकी डोपिंग हाई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जा रहे हैं ऐसे, ये कुछ आपके इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ नेगेटिव, कहाँ जाना है, ड्रेन पर जाना है, तो ड्रेन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को कहाँ जाना है, ड्रेन पे, तो पॉजिटिव, तो ड्रेन पे हो गया पॉजिटिव
और विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, तो सोर्स पे हो गया आपका नेगेटिव। इस सप्लाई को कहेंगे वी डी एस, इसको नाम मैंने दिया वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स सप्लाई। ड्रेन पे क्या पॉजिटिव, सोर्स पे नेगेटिव। अब चार्ज कैरियर का फ्लो कुछ इस पाथ में होगा, इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे फ्लो होंगे तो आपकी करंट क्या फ्लो होगी, इसकी रिवर्स डायरेक्शन में, इसे मैंने कह दिया करंट आई डी, इसे कहते हैं हम ड्रेन करंट, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल पे फ्लो होती है, इसे कहते हैं ड्रेन करंट। ये आपकी करंट फ्लो हो गई। अभी क्या है, गेट टर्मिनल क्या है आपका, ओपन है, तो चार्ज कैरियर का फ्लो आपका इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई, ये फ्लो हो रहा है। ऐसा ही O2 की लेयर, इसे मैं रफ कर देता हूँ। नॉर्मली सेम जैसा मैंने यहाँ बनाया, सेम कंडीशंस में यहाँ बना रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर। आप एक बार देख लीजिएगा, SP क्या है, नेगेटिव पोलारिटी, नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ड्रेन, ड्रेन पे हो गया पॉजिटिव, ठीक है, गेट टर्मिनल ओपन, और यहाँ से चार्ज कैरियर का फ्लो हो गया टूवर्ड्स ड्रेन वाया पाथ और चैनल, ठीक है भाई। अभी गेट टर्मिनल यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि डीई मॉसफेट का मतलब क्या है, या फिर यहाँ पर डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड कैसे काम करेगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये मॉसफेट होता है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटर की दोनों प्लेटें कंडक्टिंग होती हैं, चाहे वो मेटल की बनी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बनी हो, बट वो इंसुलेटर की नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अगर कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव आपने चार्ज दिया है तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, इसे कहते हैं इन्वर्जन चार्ज, इन्वर्जन चार्ज। मीन्स अगर आपने एक प्लेट पे पॉजिटिव दिया तो दूसरी पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव देते तो इस पे पॉजिटिव आता। पॉजिटिव मैंने कैसे दिया, इस सप्लाई के रिस्पेक्ट में दे दिया कि सप्लाई पॉजिटिव और ये ग्राउंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हो गया कि एक पे पॉजिटिव देंगे तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा। अब इस चीज़ को मॉसफेट के सर्किट में समझिए, और ये आपके लिए बताएगा कि डिप्लीशन और इन्हांसमेंट का मतलब क्या है। गेट पे मैंने क्या किया, गेट पे मैंने दिया पॉजिटिव सप्लाई, किसके रेस्पेक्ट में, सोर्स के रेस्पेक्ट में, सोर्स नेगेटिव एंड गेट पॉजिटिव। जब ये गेट पॉजिटिव है तो गेट पे आ गया पॉजिटिव, गेट पे आ गया पॉजिटिव। किस प्लेट पे पॉजिटिव आया है भाई, ये प्लेट जो है, ये प्लेट क्या की थी, एल्यूमिनियम की थी, ये प्लेट एल्यूमिनियम की थी, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, मेटल पे आ गया पॉजिटिव। तो दूसरी जो प्लेट है, सेकंड प्लेट है, ये जो सेकंड प्लेट है उस पर नेगेटिव आएगा, सेकंड प्लेट किसकी है, इस सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी तो मैंने ज़्यादा इंड्यूस्ड कर दिया, ज़्यादा बना दिया, ये कब आएगा, जब आप इसे मोर पॉजिटिव करेंगे तो आपका ये चार्ज आपका मोर नेगेटिव चैनल के अंदर फ्लो हो जाएगा। अब आप इस बात को समझिए, पहले 100 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चैनल से पास हो रहे थे, अब नेगेटिव चार्ज और इंड्यूस्ड हो गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव पार्टिकल और इंड्यूस्ड हो गए, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के साथ आगे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके इसी साइड में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपके चल रहे हैं, तो ये इसी डायरेक्शन में आपका फ्लो हो जाएगा। पहले जब गेट सप्लाई ओपन थी तब मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते थे, अब जैसे ही गेट पे मैं मोर पॉजिटिव किया, मोर नेगेटिव चैनल में क्रिएट हुआ, जिसे कहेंगे इन्वर्जन चार्ज, इन्वर्जन चार्ज, जिसकी वजह से फ्लो बढ़ गया। अब 100 से कितने हो गए, 120 130, जिसकी वजह से करंट क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो गई। तो करंट इंक्रीज कब हुई, जब गेट सप्लाई VGS
VGS क्या था? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव था तब जो आपकी करंट है ड्रेन करंट ID वो आपकी इंक्रीज हुई है, तो इसे कहते हैं इन्हांसमेंट मोड। तो इन्हांसमेंट मोड इज ड्यू टू गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या? पॉजिटिव। किसके केस में? एन टाइप के मॉसफेट के केस में। तो ये आपका हो गया इन्हांसमेंट मोड, इन्हांसमेंट मोड, इसे कहेंगे ई मोड। अब इस पे आइएगा। अब मुझे यहाँ पर इसकी जो चार्ज कैरियर का जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करना पड़ेगा, तभी तो भाई करंट कम होगी। इसमें तो मैंने बढ़ा दिया था, बढ़ाया कैसे था कि इसमें नेगेटिव क्रिएट किया था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लो हुआ तो चार्ज का फ्लो बढ़ गया। अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव फ्लो स्टार्ट कर दूं तो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होगा, डिफ्यूज़न होगा, और डिफ्यूज़न की वजह से यहाँ पर फ्लो आपका कम हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव लाना है तो कैसे आएगा? गेट टर्मिनल पे मुझे नेगेटिव देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स। जैसे ही मैंने गेट पे नेगेटिव दिया, ठीक है, सेम केस वही है, वहाँ पॉजिटिव दिया था, जैसे ही मैंने यहाँ नेगेटिव दिया फिर आपका एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा किसमें? सेकेंड प्लेट पे। तो ये आपका पॉजिटिव क्रिएट हो गया, ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देगा, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव से रिकम्बिनेशंस कर लेंगे या फिर डिफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो 100 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे अब 100 फ्लो नहीं होंगे, उससे कम फ्लो होंगे। कितने? 18 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, या 60 हो सकते हैं। जैसा जैसे आप मोर नेगेटिव देते जाएंगे वैसे ही वैसे मोर पॉजिटिव क्रिएट होता जाएगा और इसका फ्लो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस केस में, यहाँ लिख देता हूँ कि इस केस में जब आपने VGS को आपने नेगेटिव किया तो जो आपकी ड्रेन करंट है वो आपकी डिक्रीज हो गई। इसी ड्रेन करंट के डिक्रीज होने के फिनोमिना को कहते हैं डिप्लीशन मोड। तो डिप्लीशन मोड में क्या हुआ भाई? डिप्लीशन मोड में करंट डिक्रीज हो गई ड्यू टू गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव इन केस ऑफ एन चैनल मॉसफेट। ठीक है भाई, तो ये कुछ डिप्लीशन मोड हुआ और इन्हांसमेंट मोड हुआ। ये बात आपको समझ में आई, वर्किंग इसकी समझ में आई। ये मैंने इसे नेगेटिवली बढ़ाया था, इसको मैंने पॉजिटिवली बढ़ाया था, और ये तो पॉजिटिवली ही बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका VDS है, ये आपका VGS है, VDS एंड VGS। तो आपका ये कुछ डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड होता है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस वीडियो को, क्लास को पॉज करके इसको आप बनाइए, नोट बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, दो हेडिंग बनाइए। ये थी आपकी इन्हांसमेंट की, ये था आपका इन्हांसमेंट का, और ये था आपका डिप्लीशन मोड का। डिप्लीशन मोड में करंट आपकी डिक्रीज हुई, इन्हांसमेंट में करंट आपकी इंक्रीज हुई। करंट कहाँ से डिक्रीज हुई और कहाँ से इंक्रीज हुई? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक करंट का नाम बताया था जिसका नाम था IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। ये वो करंट है जब करंट इससे नीचे जाएगी तो उसे कहेंगे डिप्लीशन मोड, और जब करंट इससे ऊपर की साइड जाएगी तो उसे कहेंगे इन्हांसमेंट मोड। तो इसी बात को मैं आपको VI करेक्टरिस्टिक में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप उस VI करेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है डिप्लीशन मोड और क्या होता है इन्हांसमेंट मोड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको VI करेक्टरिस्टिक बताता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका डिप्लीशन और जो इन्हांसमेंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है जिसे CMOS कहते हैं, जो कि नया सब्जेक्ट बनाएगी VLSI, उसमें इसका बहुत वेटेज है। अगर आप कहीं प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो डिप्लीशन और इन्हांसमेंट ये दो मोड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको VI करेक्टरिस्टिक में समझाना चाहूँगा कि क्या होता है डिप्लीशन, क्या होता है इन्हांसमेंट। ड्रेन करंट ID मिली एम्पियर में,
with respect to VDS, drain to supply voltage, volt में, VDS में बढ़ाता गया, करंट आपकी बढ़ती गई, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो था तो करंट एक पॉइंट पे गई मैक्सिमम और वहां पे सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गई जिसका नाम था IDSS, ड्रेन टू सोर्स, इसका नाम है ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट। ये कब आई थी, जब VGS इक्वल टू क्या था, जीरो वोल्ट। डायग्राम को याद कीजिए, रिकॉल कीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर था ये कुछ मैंने इस तरीके से जो बनाया हुआ था, ठीक है, ये आपका, ये आपका एन प्लस एन प्लस, तो यहाँ पर एस और एस पे नेगेटिव और डी पर पॉजिटिव, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था कुछ इस तरीके का बना हुआ था। अभी गेट क्या था, ओपन था, तो अभी गेट का सप्लाई क्या है, VGS क्या है, जीरो वोल्ट है, तो मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लो की वजह से करंट आपकी मैक्सिमम पहुंच गई। अब जो वर्ड है मेरा मैक्सिमम, अब ये मैं वर्ड को चेंज करूंगा, अब मैं किसी कभी कभी बोलूंगा इसी कंडीशन को मैक्सिमम फ्लो और कभी बोलूंगा इसी कंडीशन को मिनिमम फ्लो। कैसे, जब मैंने VGS को नेगेटिव लगाया था तो नेगेटिव लगाने की वजह से इसका जो करंट था वो आपका VGS इक्वल टू माइनस का वन वोल्ट, डिक्रीज होगा किस पॉइंट से, IDSS से, और मैंने मोर नेगेटिव किया, जैसे ही नेगेटिव और किया तो और करंट आपकी डिक्रीज होगी, VGS इक्वल टू माइनस का टू वोल्ट, या फिर ऐसे ही सो ऑन, आपने जितना नेगेटिव किया करंट आपकी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये कब है, जब VGS को आप नेगेटिव करेंगे, और ये स्ट्रक्चर मैं आपको जे फैट में भी समझा चुका हूँ, जे फैट की VI करेक्टरिस्टिक भी सेम ऐसी ही होती है। अब क्या है, मैंने जो VGS है पॉजिटिव लगा दिया, तो ये जो कंडीशन थी 100 इलेक्ट्रॉन्स की थी, ये 80 की थी, अब क्या हो जाएगी 120 की रहेगी, और VGS क्या होगा, पॉजिटिव 1 वोल्ट। मैंने VGS को मोर पॉजिटिव किया, मोर पॉजिटिव करते ही VGS इक्वल टू प्लस का 2 वोल्ट, ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही आप और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या बात समझ में आई, कि इस लिमिट के ऊपर IDSS के ऊपर की साइड जाएंगे तो आपकी करंट आपकी इंक्रीज होगी, उस केस में, ऊपर वाले केस में इसे कहते हैं IDSS या फिर ड्रेन करंट मिनिमम, मिनिमम क्योंकि इसके ऊपर की साइड करंट बढ़ेगी। जब नीचे वाले कंडीशन में आएंगे तब इसे कहते हैं मैक्सिमम, इस कंडीशन में करंट आपकी घटेगी। तो ये वाला जो मोड है, इसके नीचे वाला जो मोड है, इसे कहते हैं डिप्लीशन मोड, डिप्लीशन मोड, और इसके जो ऊपर का मोड है, इसके जो ऊपर का जो मोड है, इसे कहते हैं हम इन्हांसमेंट मोड, इन्हांसमेंट मोड। बात समझ में आ गई भाई, इन्हांसमेंट मोड में IDSS से ऊपर की साइड जाएगा, डिप्लीशन में नीचे की साइड आएगा। तो ये जो करैक्टरिस्टिक है इसे कहते हैं आप ड्रेन करैक्टरिस्टिक, ड्रेन करैक्टरिस्टिक। तो ड्रेन करैक्टरिस्टिक आपसे पूछी जाती है, जिसकी करैक्टरिस्टिक पूछी जाएंगी मैं आपको बता दूंगा, तो इसकी ड्रेन करैक्टरिस्टिक पूछी जाती है, ये आपकी होगी ड्रेन करैक्टरिस्टिक, इसमें नीचे का मोड डिप्लीशन, ऊपर का मोड इन्हांसमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें ये हैं कि डिप्लीशन मोड में VGS की सप्लाई क्या होगी और इन्हांसमेंट मोड में VGS की सप्लाई क्या होगी। तो इसमें VGS की सप्लाई क्या है भाई, नेगेटिव है, इसमें VGS क्या है, नेगेटिव है, और इसमें VGS क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये जो डिस्कशन था ये किसका था, एन टाइप का था। अगर ये पी टाइप का डिस्कशन हो जाए तो ये केस जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये VGS क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला VGS क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
और जो VI करैक्टरिस्टिक जो फर्स्ट ग्राफ में बनी है, कोऑर्डिनेट केस में फर्स्ट ग्राफ में बनी है, वो सेकंड ग्राफ में हो जाएंगी, जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। तो ये पी टाइप की कंडीशंस हैं। पी टाइप की कंडीशंस आपसे कम पूछी जाती हैं या फिर ना ही पूछी जाती हैं, लेकिन एन टाइप की पूछी जाती है। तो ये डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड का ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक हो गया। ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक के साथ साथ मैं आपको ड्रेन करैक्टरिस्टिक भी बता देता हूँ कि ड्रेन करैक्टरिस्टिक क्या होती है। तो इसकी जो ड्रेन, ये थी आपकी ड्रेन करैक्टरिस्टिक, मैं आपको ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक बता देता हूँ। तो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होती है कि आईडी मिली एम्पियर, और कौन सी सप्लाई, सेकंड सप्लाई क्या थी, वीजीएस। वीजीएस आपने अगर निगेटिव बढ़ाया या फिर आपने वीजीएस पॉजिटिव बढ़ाया, तो VGS इसमें नेगेटिव भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें VGS आपका नेगेटिव भी दिखे और पॉजिटिव भी दिखे। आई डी मिली एम्पियर, ठीक है भाई। करंट मैक्सिमम आई डी एस एस, अगर VGS को नेगेटिव कर रहा हूँ, VGS को नेगेटिव कर रहा हूँ, तो करंट आपकी क्या है, देखिए ये पॉइंट क्या था, मैक्सिमम IDSS से कम होगी, तो IDSS से कम होगी इस साइड के लिए, तो IDSS से कम हो रही है। अगर VGS को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ ऊपर की साइड, तो करंट IDSS से ज़्यादा होगी। तो ये जो कंडीशन है, ये IDSS का जो पॉइंट है, इसके ऊपर की जो कंडीशन है, ये आपकी इन्हांसमेंट की है, और इसकी जो नीचे की कंडीशन है, ये आपकी डिप्लीशन की है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक, ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक, ट्रांसफर VI करैक्टरिस्टिक। तो ये इन्हांसमेंट और ये डिप्लीशन मोड होता है। तो इन्हांसमेंट और डिप्लीशन मोड मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा इस क्लास को देखिएगा, आपको समझ में आएगा, हर पॉइंट को समझिएगा, और इसकी लास्ट क्लासेस को आप देख लीजिएगा जो कि जे फैट की थी, तो आपके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ई टाइप के बारे में बताऊँगा, फिर कुछ करंट की इक्वेशंस बताऊँगा जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, और फिर अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो आप पढ़ते रहिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ई ओनली मॉसफेट के साथ। थैंक यू।